mm-hmm तारिणि हारिणि मोह तारिणि भवाब्धि मोक्ष चारिणि प्रामाणि छे उपमा आप्यानि जेने तमारा खवीते वाजमति मापा मानि ओहो राज चन्द्रवाळ्यालि पामा जिनेश्व वा णे जानी जानी छे गुरु ताणि वाणी जाणीतेणे जाणी मोक्षमार्गस्य नेतारं कर्म कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्वानां वंदे तद्गुण ला वंदे तद्गुण वो जय श्री स्वाध्याय श्री तत्वाबोधिनी प्रस्तावना जीव तत्व के स्वरूप का विचार हो रहा है विविध विविध प्रकार से अब संज्ञा संगनीपने पने की अपेक्षा जीव का विचार करें संसारी जीवों का वर्णन पृष्ठ संख्या थर्टी टू बत्तीस गुजराती में टे अपना हित अहित इष्ट अनिष्ट और वस्तु के गुण दोषों का विवेक करने की विचार शक्ति को संज्ञा कहते हैं हिताहित और गुण दोषों का विवेक विचार मन से होता है मन के आधार से जीवों के दो भेद बनते हैं संगी तथा असंगी जो पूर्वोक्त स्वरूप वाले मन सहित होते हैं उन्हें संगी कहते हैं तथा जो मन रहित होते हैं उन्हें असंगी कहते हैं प्रत्येक संसारी प्राणी या तो संगी होता है अथवा तो असंगी होता है चार गति के प्राणियों में से एकेंद्रिय से लेकर चार इंद्रिय वाले तिरियंज नियम से असंगनी ही होते हैं पंचेंद्रिय तिरियंचो में कोई संगनी होते हैं कोई असंगनी होते हैं। मनुष्य देव और नारकी नियम से संगनी होते ये संज्ञा 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 के बहुत सारे अर्थ हैं संज्ञा शब्द है उसके संज्ञा एटले अपने गुजराती में संगना। तो उसके बहुत सारे अर्थ एक अर्थ तो नाम के अर्थ में होता नाम जैसे किसी इसका इसकी ये संज्ञा है इसको क्या कहते हैं तो इसका ये नाम है मतलब इसकी ये संज्ञा है कि भाई जिसके तीन पंखुड़ियां होती हैं, ऊपर डंडी होती है और इलेक्ट्रिक से चलता है उसकी क्या संज्ञा है तो कहते है पंखा उसको क्या कहते हैं एक नाम के अर्थ में होता है दूसरा संस्कार के अर्थ में होता है आहार भय मैथुन एक संस्कार वृत्ति उसको भी संज्ञा कहते हैं और एक विचार विमर्श करने को भी संज्ञा कहते हैं और इस अपेक्षा से यहां पर कहा तो जो किसी भी वस्तु पर विचार विमर्श कर सकता है वो संज्ञा कहलाती है और ऐसी संज्ञा जिसमें होती है विचार विमर्श करने की उसको संगनी कहते और उस और वो विचार विमर्श है वो किससे होता है मन से होता है मन के बिना विचार विमर्श नहीं हो सकता है इसलिए जो बिना मन के जीव हैं उनके कोई विचार विमर्श नहीं होता है क्रिया की कोई प्रतिक्रिया भी इस कारण से नहीं होती कुछ सोच विचार नहीं सकते हो मैं सुखी हूं कि मैं दुखी हूं ये मेरे लिए कल्याणकारक है ये मेरे लिए अकल्याणकारक है मुझे ऐसा करना चाहिए मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए ये कुछ भी सोच विचार उनके होते ये इष्ट है ये अनिष्ट है ऐसे विचार भी नहीं है उनके संगनी में फेर संगनी मन ने आधारित है संगना संस्कार ने आधारित नहीं अभी तो, अभी तो तीन अर्थ बताए तो उस तीन अर्थ में एक विचार विमर्श करना इसका नाम भी संज्ञा कहलाता और उस संज्ञा से जो सही थे उसको संगनी असंगनी जीवों के विचार विमर्श तो नहीं है पर वो संस्कार तो है आहार भी है असंगनी जीवों का आहार नहीं है क्या पेड़ पौधे से लगा करके पंचेंद्री असंगनी तक सभी आहार करते हैं। सब भयभीत होते हैं। सब की मैथुन संज्ञा भी है कोमल कोमल स्पर्श सबको अच्छा लगता है और सबके परिग्रह संज्ञा भी है सब इकट्ठा करना चाहते हैं चीटी को देखना खाएगी नहीं दिन भर इकट्ठा करती रहेगी <laughs> तो इकट्ठा करने की भी सबकी ये अबुद्धि पर उनकी सोच विचारपूर्वक नहीं है वो कुछ सोचते नहीं है अभी जैसे चीटी है दिन भर इधर का उधर चलती रहेगी कोई इधर लगेगी, कोई परंतु वो सोचती नहीं है कि किस लिए वो खाती नहीं हो चीटी कभी भोजन नहीं करती परंतु वो कुछ भी चीज हो उसको बस इकट्ठा करेगी <laughs> अपनी जगह पे ले जा करके ये उसका काम है अपने वजन से भी सात गुना अधिक वजन वो उठा लेती है इसलिए देखना चीटी छोटी होती इतना बड़ा कण है उससे उसके आकार का साथ उसको भी उठा के ले जाएगी और करेगी क्या कुछ नहीं सोच विचार नहीं है ना मन नहीं है कि ये मेरे क्या काम आएगा कुछ नहीं बस ये अच्छी लगती है जिसकी भी अच्छी सुगंध होती है उसको वो ले जाती है सुगंध अच्छी लगती है उसको क्योंकि उसके तीन इंद्रिया होती इसलिए वो वस्तु की पहचान अपना इष्ट विषय कौन सा है तो जिसकी अच्छी गंध हो तो जैसे शक्कर हो और खाने की चीज हो कुछ भी हो तो अपने मुंह में भर लेगी उससे अच्छो अच्छी सुगंध आती है उसको खाती नहीं हो। खाती नहीं है उसको ये बिना विचारे करते हैं और संगनी जो होते हैं वो सब बिना विचार सब चीजें करते इसलिए तो जो बिना मन वाले होते हैं उनको सम्यक दर्शन नहीं हो सकता विवेक ज्ञान प्रकट नहीं हो सकता क्यों नहीं हो सकता सोच विचारी अपने कल्याण अकल्याण के बारे में सोच ही नहीं सकते हैं मैं सुखी हूं कि दुखी हूं वो भी नहीं सोच सकते हैं। बस केवल सुख दुख का अनुभवन करते हैं फीलिंग होती है उनकी दुख की पर मैं दुखी हूं मैं दुखी क्यों हूं मुझे मेरा दुख दूर करना चाहिए ऐसा कुछ है बच्चे के जैसे छह महीना का बच्चा हो उसके नाक पे मक्खी बैठी हुई है अब वो मक्खी बैठी हुई है तो उसको वो कष्ट तो हो रहा है पर उसको इतना सेंस ही नहीं है कि मुझे अपने हाथ से मक्खी उठानी चाहिए उड़ा देनी चाहिए वो सेंस खत्म हो गया दुख सहन कर रहा है बस देखा होगा बच्चों को हमारा भी ऐसा ही था पढ़े रहते थे, थे ऐसे। पता ही नहीं पढ़ता था अपने को कष्ट सहन करते अब वो पालने में बच्चा है और पालने में ही पालने में मल मूत्र कर देता है अब उससे वो दुखी है परंतु पता नहीं उसको कि मुझे यहां से हट जाना चाहिए वगैरह ऐसा कोई सेंस नहीं होता कल्याण अकल्याण का विचार नहीं करता इसलिए उसके ज्ञान तो है मन नहीं ज्ञान और मन में क्या अंतर फिर से माइक में बोलो હરિત તમને બોલ્યા સાહેબ તમને જ્ઞાન જ્ઞાન હોવું એટલે તો એક એની જે સહજ શક્તિ છે જીવની એ શક્તિ હોવી કારણ કે અજ્ઞાન અજ્ઞાન હોવું અજ્ઞાન છે અજ્ઞાન છે પણ જે સહજ શક્તિ છે જ્ઞાનની એ તો બધા જીવોમાં હોય જ એ રીતે એ રીતે અને મન એટલે વિવેક શક્તિ તો વિવેક એવો જ્ઞાન નહીં विवेक तो नहीं है एना मन नहीं है विवेक नहीं है हम विचार मन और ज्ञान में अगर आप विवेक को मन के अंतर्गत ले लोगे तो विवेक तो आत्मा का गुण है ज्ञान की परिणति है भाव मन हम फिर तो द्रव्य मन की तो बात क्या तो भाव मन भाव मन की बात कर रहे हैं अपन द्रव्य मन की बात नहीं कर रहे हैं। यस yes, ये, ये जोरदार बात की उन्होंने जहां जहां भी ज्ञान है जहां जहां भी वस्तु के संबंध में स्पष्टता है वो सब ज्ञान है और जहां जहां भी तत्संबंधी विकल्प हैं, वहां मन है इसलिए मन बंधन कारक है ज्ञान मुक्तिदाता है ज्ञान ज्ञानस એટલે શું લેવાનું જ્ઞાન કા મતલબ વસ્તુ કો જો જેસા હે વેસા જાનતા હે વો જ્ઞાન ઓર વસ્તુ કે સંબંધ મે યે એસા હે કે એસા હે કે કેસા હે યે સબ મન હે વસ્તુ સંબંધી વિકલ્પ karna યે કિસકા કામ હે મન કા ઓર વસ્તુ સંબંધી જ્ઞાન karna યે કિસકા કામ હે જ્ઞાન ઇસકો વિવેક કહેતે છે જ્ઞાની વિવેક સંપન્ન હોતા હે अज्ञानी मन से चलते हैं ज्ञानी विवेक से चलते ज्ञानी ज्ञान से जीता है अज्ञानी मन से जीते हैं। इतना ही अंतर है बस ज्ञानी के भी मन है परंतु उसका मुख्य आधार ज्ञान है विवेक हमेशा विवेक को आगे करता है ज्ञान का मतलब परिष्कृत ज्ञान वो विवेक कहलाता है शुद्ध ज्ञान वो विवेक कहलाता है जो स्व पर को भेद कर सकता है ऐसा ज्ञान वो विवेक कहलाता ये मैं हूं और ये मैं नहीं हूं इस प्रकार के ज्ञान को विवेक हैं, और ये मन नहीं है क्योंकि ऐसा विवेक सम्यक ज्ञान है और सम्यक ज्ञान तो सिद्धों में भी होता है सिद्ध भी स्व को स्व जानते हैं पर को पर जानते हैं अगर इसको मन की श्रेणी में लो विवेक को तो सिद्ध अविवेकी हो जाएंगे और उनमें मन नहीं इसलिए वो अविवेकी ठहरेंगे इसलिए विवेक तो सम्यक ज्ञान की पर्याय है और संकल्प विकल्प करता है मन ऐसा होना चाहिए ऐसा करूंगा ऐसा करूंगा ये अच्छा है ये बुरा है ये ऐसा है वो सा दुनिया भर के चिंता तो वो सब मन की करतु वैसे आगे जाकर के मन ही ज्ञान रूप हो जाता है हमारी जितनी साधना हो रही है किससे हो, हो रही है पर वो मन ज्ञान रूप हो जाता है जब वही मन अज्ञान रूप है तो वो संसार और बंध का कारण है वही मन ज्ञान रूप हो जाता है तो वो मुक्ति का कारण है इसलिए तो भगवान कृष्ण ने गीता में कहा मन एवं मनुष्याणाम बंध मोक्ष कारण हो कि मन ही मनुष्य के बंध और मोक्ष का कारण हां अभी उन्होंने प्रश्न ऐसे किया कि मन का विलय हो जाता है तो वो मन कहां जाएगा मन कहीं नहीं जाएगा आत्मा में लीन हो जाए अपनी उत्पत्ति स्थान में चला जाता है वो उसका अस्तित्व खत्म है लहर कहां जाएगी समुद्र में ऐसे ही मन कहां विलीन हो जाएगा क्योंकि जहां से पैदा हुआ था वहीं से तो जाएगा प्रत्येक वस्तु अपने उत्पत्ति स्थान में ही लय होती है कहीं और लय नहीं होती है। जहां से जन्म हुआ है वहीं उसकी मृत्यु होगी दूसरी जगह मृत्यु नहीं होगी समझ में आया जहां से जन्म हुआ है वहीं उसकी मृत्यु होगी दूसरी जगह मृत्यु हो, जग जग हो सकती नहीं अपना जन्म कहां हुआ वहीं मृत्यु होगी हमारा जन्म जहां से हुआ है वहीं अपनी मृत्यु होगी हमारी प्रत्येक पर्याय मनुष्य जन्म हुआ हमारा और ये मनुष्य जन्म कहाँ विलुप्त होगा अपने में ही ये पर्याय अपने में ही समा जाएगी नष्ट हो जाएगी इसका और जगह कोई जो जहां से उत्पन्न होता है वो उसी में समाता है शरीर शरीर में समा जाएगा पुद्गलों से इसकी उत्पत्ति हुई है तो ये पुद्गलों में समा जाएगा ये पुद्गल रूप हो जाएगा चेतना चेतना रूप हो जाएगा मनुष्य पर्याय मनुष्य पर्याय में मनुष्य जो आत्मा था उसमें ले लेंगे सब अपने में ही समाते हैं कोई दूसरे में तो समाता है ऐसे ये मन का स्वरूप है जो मन के स्वरूप को समझ जाता है उसका मन शांत हो जाता मन का क्या स्वरूप है मन वास्तव में है क्या ये समझना चाहिए जो पौदगलिक मन है वो तो एक रचना है मात्र जैसे आंख कान, ना कैसे हैं, वो सूक्ष्म पुद्गल प्रमाण मनोवर इसका तो हमसे कोई संबंध नहीं और जो ये भाव मन है वो हमारे मात्र अपने विकल्प है जीव के विकल्प का नाम मन कहलाता है और विकल्प वास्तव में क्या है भ्रम विकल्प एकमात्र कल्पनाएं हैं वो भ्रम मात्र है वो सत्य नहीं है जैसे मैं ऐसा विकल्प करूं मैं शरीर हूं तो कि ये सही है ये क्या सही है क्या हाँ। ये कल्पना मात्र है ये मात्र कल्पना है क्योंकि जो नहीं है वो हम जो करते वो सब कल्पना है रात को अपने को सपने में कुछ दिखता है तो वो क्या है ये भूत है ये ये है तो ये क्या है कल्पना अपने को कोई अंधेरे में कुछ भूत जैसा दिखता है तो ये क्या है हमने मान लिया कि ये कोई प्रेत है तो ये क्या है कल्पना देखो मन ने सब खड़ा किया है मैं कहता हूं कि ये मेरे मित्र है ये क्या है कल्पना <laughs> मैं कहता हूं ये आश्रम मेरा है ये क्या है कल्पना मैं कहूं कि ये भगवान मेरे हैं ये क्या है कल्पना कुछ कल्पनाएं अच्छी होती है कुछ कल्पनाएं बुरी है, होती हैं और हम जैसी कल्पना करते हैं वैसा कालांतर में उसकी दृढ़ता बनने से ऐसी अनुभूति होती है। ये मन है जो जो नहीं है उसको अनुभव कराएगा ऐसे फील होगा आपने को ही ये मेरा है कैसी दृढ़ फीलिंग है जैसे एक मां को अपने बेटे के प्रति रोम रोम में ये मेरा है फीलिंग है कि नहीं क्यों कि जब नौ महीने पेट में था तब से वो उसका साहचार इतना निकट का था ना कि वो अपना ही अंग है ऐसा लगता मैं ही हूं ऐसा लगता है मेरा ही है ऐसा लगता है और वो कल्पना इतनी दृढ़ता से आ गई है कि उसको ऐसा फील होता है जो नहीं है वो फील होता जबरदस्त बात है ये और इस वस्तु को जो समझ जाए वो जो मन के नाटक मन के खेल समझ जाए वो सम्यक ज्ञानी हो जाए क्योंकि ये सारा मिथ्यात्व का महल है ना वो इस पे खड़ा हुआ है कल्पनाओं पे खड़ा हुआ है मिथ्यात्व कम है कल्पना को नष्ट कर दो केवल सत्य रह जाएगा मैं तो ये हूं ये मैं कैसे हो सकता हूं जैसे ये शरीर मैं कहू तो जब मैं ऐसा कहता हूं कि ये मैं शरीर हूं तो मैं तो मैं कहने वाला शरीर कैसे हो सकता है मैं तो मैं ही है <laughs> वो शरीर कैसे हो सकता है मैं मैं ही हूं मैं कुछ और नहीं हो सकता मैं कहता है कि ये मेरा बेटा ये मेरा मित्र कैसे हो सकता है मैं मैं ही रहूंगा मेरा कैसे हो सकता है ये मैं है वही मेरा है मैं के अतिरिक्त तो और कोई मैं नहीं है और मैं के अतिरिक्त तो और कोई मेरा नहीं है ये परम सत्य है इसको जितनी जल्दी जीव समझ जाए उतना दुख से मुक्त हो जाएगा और जितना इसको समझने में देर लगेगी उतना जीव भटकेगा क्योंकि उसको वैसी फीलिंग होगी और हम बारंबार अपने आप को ही मैं के रूप में लो तो आपको अपने अतिरिक्त और किसी का संवेदन ही नहीं होगा कल मोक्ष मार्ग प्रकाशक की क्लास में ये जोरदार बात आई थी सम्यक्त तो वमुख मिथ्या दृष्टि जीव का वर्णन चल रहा था तो उसमें कब तक जीव सम्यक्त तो सन्मुख रहता है मिथ्या दृष्टि रहता है तो वो तत्व गुरु का उपदेश होता है तत्व के बारे में विचार करता है कभी पढ़ता है कभी प्रश्नोत्तर करता है ऐसे अलग अलग प्रकार से तत्वों के बारे में जानता रहता है और अभ्यास करता रहता है ईमानदारी से सच्चा अभ्यास और ऐसा अभ्यास करते करते जब तक उसको ये जीवादि तत्व जैसे हैं वैसे नहीं भासे और जैसे शरीर आदि में अहम बुद्धि है वैसे केवल आत्मा में अहम बुद्धि जब तक न हो तब तक वो सम्यक तो सन्मुख मिथ्या दृष्टि है और जब उसको ऐसा हो जाए कि ये शरीर आदि में जो मैं बुद्धि है मेरापन है वैसा उसको अपने आत्मा में मैं और मेरापन हो जाए तब सम्यक दृष्टि तो जो कल्पनाएं कर रखी थी उन सब कल्पनाओं से वो अलग। होता क्या है कि मार्ग का अनुसरण करने के लिए जो हमने बहुत खोटी कल्पनाएं कर रखी ना अशुभ उनको तो पहले निवृत्त कराते हैं और फिर शुभ कल्पनाओं में लगाया जाता है अच्छे में कि भाई देखो अभी तक ऐसा है तुम संसार को अपना मान रहे थे अभी ऐसा करो तुम देवशास्त्र गुरु को अपना मानो देखो बुरी कल्पना छुड़ानी इसलिए उसको अच्छी कल्पना कराई जा रही है और देवशास्त्र गुरु के निकट जाएगा तो वहां तो सत्य ही मिलेगा उसको तो उसकी वो कल्पना भी अपने आप नष्ट हो जाएगी ध्यान में पता है बहुत सारे काल्पनिक ध्यान कराते अलग अलग प्रकार की धारणाएं ये आगम में ही हो कभी आग्ने धारणा कराते हैं कभी पार्थिवी धारणा कराते हैं कभी यहाँ कभी अरिहंत भगवान है हृदय है न उसमें बैठा हुआ है ना इतनी कमल के ऊपर बैठे हुए इतनी पंखोड़ियां तो ये है वो ऐसी कल्पनाएं कराते हैं वो कल्पनाएं क्यों कराई जा रही है पता है वो जो असत मिथ्या शरीर भोग आदि है उनसे निवृत्त होकर के उन भोग वासना से निवृत्त होकर के सत के निकट आए इसलिए सत के निकट आए ऐसी कल्पनाओं को पकड़ाया जाता है और इसके बाद जैसे जैसे निकट आएगा तो उसको लगेगा ये भी कल्पना ही थी जो की जा रही थी वो भी कल्पना ही थी और फिर सत्य में अधिष्ठित हो जाता है जो और कहीं नहीं मिलेगा स्वयं ही है वो। और कोई है पर उसको वहां तक लाने में इतने सारे काल्पनिक वो साधनाएं कराई जाएगी उसको और अंत में जब उसको साक्षात्कार होगा तुर तो यार ये बात था इतना सारा क्यों घुमाया हमको इतनी सी बात थी तो तेरे तो घुमाना जरूरी था क्योंकि जहां जहां वासनाएं पड़ी थी कल्पनाएं पड़ी थी तो वहां वहां से निवृत्त कर रही मन ऐसा ही सीधा साधा सरल सत्य को स्वीकार करने के लिए ये मिथ्यात्व तैयार अज्ञानी जी है वो सीधा साधा सरल सत्य है उसको नहीं स्वीकार करेगा उसको बहुत घुमा फिरा करके आप बताओ तो उसको स्वीकार क्यों क्योंकि वो स्थूल हो चुका है मन है और उसका वृत्ति उसका आत्मा बहुत स्थूल हो चुका है सूक्ष्म को पकड़ता सूक्ष्म को पकड़ने का जब आ जाएगा शांत होकर के केवल स्व स्व को पकड़ने का जब अभ्यास हो जाए, जाएगा हंस होता है ना कैसे करता है कल्पना नहीं कर रहा है वो क्या कर रहा है स्व दूध दूध को पी लेता है पानी पानी तो जितना मैं मैं हूं उसको अनुभव कर लेता है बाकी सब छोड़ दे मैं के अतिरिक्त और कोई फिर रह जाता नहीं मैं शाश्वत वो मैं कल्पना नहीं है मैं ये हूं और मैं वो हूं ये कल्पना है पर मैं मैं हूं वो कल्पना नहीं वो परम सत्य है बस मन और ज्ञान में इतना ही फर्क है कि मन जो नहीं है उन सबको मैं रूप कहेगा मेरे रूप कहेगा वैसा अनुभव कराएगा और ज्ञान जो जैसा है वैसा ही उसमें मैं पना करेगा और पर मैं परपना करेगा इतना ही ज्ञान और मन में अंतर कभी शांति से बैठ करके विचार करें कि मैं कहां जी रहा हूं काल्पनिक जगत में और वो कल्पना इतनी सुदृढ़ हो चुकी है कि सत्य लगती है लगता कि नहीं लगता ये सब हमको सही लगता कि नहीं लगता ये रिश्ते नाते जगत सब सही लगता कितना सही ये, ये संबंध ये प्रेम ये घृणा घृणा भी बहुत जबरदस्त अनुभव में आती है प्रेम भी बहुत जबरदस्त अनुभव में आती है भावना सब वो जबरदस्त अनुभूतियाँ हो रही है हैं मन की तरंग मार लो बस हो, बस हो गया भजन मन की तरंग मार लो तरंगे हैं बस और कुछ नहीं है पर मन की तरंगे बस... इंद्रियों को वॉश कर लेती है मन मन ही इंद्रियों से कार्य कर, कराता है ना हाँ मन जब शांत हो गया तो सब शांत हो गया जो मन से किया है वही किया हुआ है भले तो कुछ भी करो जैसे हम खाना पीना सब करते हैं अगर आपने मन से नहीं किया तो उसका कर्तापना है ही नहीं जो हम मन से इच्छा पूर्वक करते हैं और इच्छा ही मन का शरीर है मन का शरीर क्या है स्वरूप क्या है इच्छा इच्छा नहीं तो मन का इसलिए जो पूर्वक किया जा रहा है उसी ने किया ऐसा समझा जा रहा है वही मन वही किया हमने बाकी तो कुछ किया ही नहीं जबरदस्ती किसी को कुछ करा तो वो किया थोड़ी उसने वो कपिला दासी की तरह <laughs> उसको कितना भी जबरदस्ती किया कि भाई दान दे दान दे पर उसको इच्छा नहीं हो रही है अब उसको उस दान का लाभ मिलेगा कि नहीं क्योंकि किया ही नहीं उसने अब कोई सामने वाला देखेगा तो ऐसा कहेगा देखो यही तो अपने हाथ से दे रही है तो फल किसको मिलेगा तो फल उसको ही मिलना चाहिए तो भाई मन से दिया हो तो फल मिलेगा हाथ से दिए हुए का फल नहीं शरीर की क्रिया का कोई फल नहीं भाव रहित क्रिया का कोई फल होता बंध मोक्ष तो भावों पर चलता है ऐसे बिना इच्छा के किया इसलिए ज्ञानियों की प्रवृत्ति को समझना बहुत कठिन है करते हुए तो देख, दिखते हैं पर उसका अकर्तापन है भीतर में इच्छा नहीं और अगर इच्छापूर्वक है तो वो भी करता है एक ही बात है भाव से देना और मन से देना का मतलब अपन उसको भाव कहते हैं भाव वास्तव में बहुत बड़ा शब्द है भाव सब में होते हैं और हर हर कुछ भाव है ज्ञान भी भाव है दर्शन भी भाव है सब भाव है हम इमोशंस भावनाओं को भाव कहते हैं ठीक है वो मन ही एक कथा शुभाशुभ भाव वो मन है शुद्ध भाव है वो मन नहीं ऐसा सब मन के बारे में सबको बड़ी रुचि होती है hmm. जो है ही नहीं जिसका अस्तित्व ही नहीं है उसको जानने में बड़ी रुचि है <laughs> वास्तव में कुछ नहीं है <laughs> क्योंकि सारा खेल कौन करा रहा है मन करा रहा है और जो वास्तव में नहीं भ्रम के अतिरिक्त क्या है बताओ अच्छा जो मृग तृष्णा है सामने मृग मरीचिक का कहते हैं ना मृग जड़ तो वहां पानी दिखता है अपने को लगता है कि नहीं लगता है तो वास्तव में अपने को यूं अनुभव होता है कि वहां पानी है है कि नहीं आपका केवल माना हुआ है दृष्टि भ्रम तो हम जैसा मानते हैं कल्पना करते हैं कालांतर में वैसी अनुभूति होती है और वैसा ही दिखता है सब कुछ हमारा मन जैसा होगा वैसा संसार दिखेगा अगर हम मायूस हैं ना सब जगह मायूसी दिखेगी भले लोग नाच रहे हो ना कोई मजा नहीं आता और हमारा मन प्रसन्न है तो ये पेड़ पौधे वो भी आपको नाचते हुए दिखे क्या सदा सब यहां से चल रहा है जगत सारा से चल। મન કે ખેલ ઉપર ઉઠવા બનકે એટલે સંસારી જીવ મન સહિત હોય હોય એટલે મનની હાજરી છે પણ એ ચૈતન્ય ની સત્તા વગર નથી કોઈ પણ મનની હાજરી ચૈતન્યની સત્તા વગર નથી મન ચૈતન્ય વિકાર તો પછી સંસારી જીવને સ્વરૂપની વિસ્મૃતિ કરીને મનના સામ્રાજ્યમાં જીવવું કેમ ગમે છે વોઈ બ્રહ્મ વિખ્યાત અજ્ઞાન અવિદ્યા માયા મોહ કામ લોક ઇસકે કારણે મોહ ઇતના પ્રબલ હૈ मोहे न संवृतम ज्ञानम स्वभाव लभते नहीं मत्तमान पदार्थ नाम यथा मदनक यथा मदनको द्रव्य जो मोह से आवृत ज्ञान है वो स्वभाव को प्राप्त नहीं होता है जैसे उन्मत्त पुरुष शराबी अथवा कोई ऐसा पिया हुआ पुरुष चुरा खाया हुआ पुरुष है वो उटपटांग तरह ऐसे ये मोह है मोह के कारण से वो अच्छा लगता अनादि की वासना चारी सकें खरे खर आप स्वरूप एवं द्रव्य આમ તો મૂળ તો એવું જ છે ને મોથી રહીત અનાદિકાળથી ઓરિજિનલ તો એવું જ છે એને શુદ્ધ કરવાનું છે એટલે આ વચ્ચે મન કામ કરે છે દેખો શક્તિ અપેક્ષા એ શુદ્ધ હે પણ આપણી રચના જે થઈ છે જેમ આપણે સોનામાંથી સોનાની ખાણમાંથી સોનું નીકળે છે એ શુદ્ધ થવાની શક્તિ ધરાવે છે પણ ક્યારેય નિર્વર શુદ્ધ છે જ નહીં અં એમ આપણો આત્મા પણ છે એટલે મન આ જે આપણો સંકલ્પ વિકલ જાય છે એ अनादि કારણે સંસ્કાર કો અથવા તો મૂળ સ્વરૂપ કો મૂળ સ્વરૂપ નહીં મૂળ સ્વરૂપ શબ્દ નથી બરાબર પણ એમ જસ્ટ હા નહીં આપની વાત એકદમ સહી છે કે હમ अनादि કાલ સે હી અજ્ઞાની એસા નહીં કે હમ કભી શુદ્ધ થે હમારે અંદર કભી જ્ઞાન થા ઓર ફિર હમ वासना और इन कर्मों के आग उसमें आगे ऐसा नहीं पहले से ही है ये अज्ञान और उसमें जैसे जैसे उसको इंद्रिया बढ़ती जाती हैं तो वो और पुष्ट होता है और उसमें मन मिल जाता है तो और पुष्ट होता नई मान्यताएं बनाता है देखो असंगनी जीव नई मान्यताएं नहीं बनाता असंगनी जीव है वो नई मान्यताएं नहीं बनाता है उसको पहले से अबुद्धिपूर्वक जो जो है ना उसके उतने ही है पर जब मन मिलेगा ना तो अब हम नई मान्यताएं नए संबंध नए रिश्ते ये बढ़ाते हैं इसलिए उसको ग्रहित मिथ्यात्व कहते हैं ग्रहित मिथ्यात्व केवल मन वाले संगनी प्राणियों को होता है असंगनियों को ग्रहित मिथ्यात्व नहीं होता है उनके तो अग्रहित पहले से जो चल रहा है ना अबुद्धिपूर्वक का शरीर आदि में मैं आदि वो चल रहा है बाकी बाकी की कल्पनाएं वो नई खड़ी नहीं करते परंतु मंत होता है तो नई व्यवस्थाएं खड़ी करता है फिर एक समाज व्यवस्था कर फिर जैसे किसी ने मनुष्य रूप में जन्म अब मनुष्य के मन होता है तो जैसे ही पैदा होगा सबसे पहले तो ये मेरी मां है कहां से था? चीटी ऐसा नहीं कहेगी पेड़ ऐसा नहीं कहेगा समझ में आया ना उसको कुछ पता ही नहीं है किसमें से पैदा हुआ न क्या हुआ परंतु मनुष्य ये मेरी मां है ये मेरे पिता है ये मेरा घर है ये मेरा गांव है मैं इस जाति का हूँ ये मेरा समाज है मैं ब्राह्मण हूँ मैं क्षत्रिय हूँ मैं जैन हूँ ये मेरा देश है ये मेरा वो ये सब कौन खड़ा कर रहा है? ये ये ग्रहित विद्या ये हमने ग्रहण किया है नए नई कल्पनाएं खड़ी कर रहे हैं असंगनीय इसलिए अधिक कर्म बंद फिर ज्यादा कहां होगा मन होने के बाद मिथ्यात्व के साथ ही सितर कोड़ी का बंध होता है और वो भी मन सहित मिथ्यात्व। बाकी इनके तो इतना बंद द्विस्थानीय एक स्थानीय ऐसे बंध होता है असंगनीय तक को चतुस्थानीय जो बड़ा बंध होता है वो तो इन मन वालों को मन के बिना नहीं इसलिए मन के बिना विवेक भी नहीं होता है और मन के बिना अज्ञान भी नहीं होता है दोनों चीजें मन, मन, मन ही है मन की आर् हारे मन की जीते हाँ ऐसा इसलिए मन सेतु है अब आपको कहां ले जाना है वो मन आपको ज्ञान में भी ले जा सकता है और वो मन आपको अज्ञान में भी ले जा सकता इसलिए इस बीच की कड़ी को निकालने का प्रयत्न करो तो। इसलिए इसको मार दो मन को मार देंगे तो क्या बचेगा आत्मा बचेगा ज्ञान बचेगा और कोई बचेगा शक्ति अपेक्षा से मन भाव मन असंगनियों को भी है शक्ति अपेक्षा उनमें भी सारे संकल्प विकल्प वगैरह अबुद्धिपूर्वक के होते हैं पर सोच विचार नहीं उसके पर जो वास्तव में चेष्टारूप मन है वो संगनियों में ही होता है क्योंकि मति ज्ञान मननम इति मति जो मनन से ज्ञान है वो मति ज्ञान है और वो असंगनियों में केंद्रीय आदि में भी होता है परंतु वहां केवल संस्कारवश है उनके कोई बुद्धिपूर्वक सोच विचार करके होता इसलिए इस मन का हम उपयोग मन रहित होने में करें जैसे अभी क्या आया था ना कि शरीर का उपयोग किसमें करें संयम ना हेतु मात्र देहते संयम हेतु तो कि भाई जीवों की रक्षा करने के लिए और अपने ज्ञान ध्यान के लिए करें आंखों को शास्त्र स्वाध्याय आदि में लगाएं भगवान के दर्शन आदि में कानों को उसको स्वर्ण करने में लगाएं सबको अपने अपने में उसमें जोड़ दें और मन को कहाँ लगाएं मन को परमात्मा में तो वो मन है वो मर जाए अपने को अद्भुत वस्तुएं मिली है मनुष्य शरीर की अगर अपन बहुत बारीकी से अध्ययन करेंगे तो हमको बहुत अद्भुत वस्तुएं मिली हैं अब उसको योग में लगाते हैं कि भोग में लगाते हैं ये अपना। शरीर में भी ये विशेषता नहीं होती वहां रिद्धि सिद्धियां होगी छोटा कर सकते हो बड़ा कर सकते हो ये सब कर सकते हो पर जो इस औदारिक शरीर से कर सकते हैं ना वो तो उस वैक्रिय शरीर से भी यहां योग साधन कर सकते हैं ज्ञान कर सकते हैं शुक्ल ध्यान कर सकते हैं इस शरीर से बाकी देव के शरीर से भी शुक्ल ध्यान नहीं हो सकता है इससे शुक्ल ध्यान कर सकते इसलिए शरीर को है ना संभाल के रखें मन को भी संभाल के रखें और वाणी को भी संभाल के रखें उसकी सावधानी ऐसे शरीर कर देते हैं फोन कंट्रोल ही नहीं रहता है और जब शरीर पर कंट्रोल नहीं रहता तो मन का कंट्रोल समाप्त शरीर को संभाल अच्छा। जो अस्वस्थ है अगर आपका शरीर आप बैठ नहीं सकते सो नहीं सकते बड़े बड़े पेट करके घूमते रहते हैं लोग इतना बड़ा पेट हो गया, यो कहाँ साधना करेगा वो थोड़ी देर बैठेगा तो उसको उसके, उसके ज्ञान में शरीर ही रहता है ध्यान क्या करेगा वो शरीर से बाहर ही नहीं जा पाता हो अमन तो बेसा तो नहीं तुम आसन लगा के बैठ सकते हो सीधे बैठ सकते हो शांत बैठ सकते हो तब जाकर बीमारी की अवस्था में देख लेना आप कितना भी प्रयत्न करते हो आपका ध्यान नहीं लगता वहीं की वहीं जाते है। शरीर नो स्वस्थ रहो एक जातनी समाधि ऐसा कृपाल देव क्यों समाधि है क्योंकि शरीर जब अस्वस्थ होता है अस्वस्थ मतलब अपने कंट्रोल से बाहर उसका नाम अस्वस्थ बुखार नहीं सर्दी नहीं इसी का नाम अस्वस्थता नहीं है और आपके कंट्रोल में नहीं रहता है उसी का नाम अस्वस्थता है तो उसके संबंधित विकल्प चलाकर इसलिए शरीर को इस प्रकार से हम ढालें और वो मन ढालेगा हम जैसा चाहें वैसा मन अपनी कल्पना शक्ति से इच्छा शक्ति से जैसा शरीर चाहे वैसा बनाएगा हमने ये शरीर किसने बनाया बता हमारी मना शक्ति ने बनाया जब हमारा मन ढीला पड़ता है तो हमारी वासनाएं बढ़ती हैं और अनकंट्रोल हो जाता हम तो शरीर भी अनकंट्रोल इसलिए देखना योगियों को ज्ञानियों को देखना उनका जैसा चित्त होता है उनका शरीर भी उस सांचे में ढला होता है उनका चेहरा देखना जिसके भीतर जिसका मन स्वच्छ है सात्विक है चेहरे पर भी एक सौम्यता दिखे शरीर भी ऐसा होगा डिलडोल शरीर वाले योगी नहीं देखे और डिलडोल शरीर वाला वो योगी होते भी नहीं समझ योगी तपस्वी तो अलग प्रकार की लोग उनका सब कुछ बताएगा कि इसका आत्मा तपरा है बस हाँ. तो जस्ट जानवा मटे हो ताकि शरीर ये तो कुदरती वध गट छे ने भले मन आधारित छे पर छत्ता पण सर्वथा ऐसा नहीं है तो सर्वथा ऐसा भी कैसे कैसे हाँ। हम व्यक्ति विशेषों पे चलते हैं इसलिए माटे। इसलिए हमको ये बात सीता... समझ में नहीं आती है पर देखना जब जीवन में गहन साधना नष्ट हो जाती है तब जाकर के ये सब समस्या जब उसकी गहन ज्ञान ध्यान तप, ये सब चीजें जीवन में से निकल जाती है फिर हमारे हाथ में कुछ नहीं रहता न शरीर हमारे हाथ में रहेगा कुछ भी नहीं रहेगा और जब तक साधना काल चलता है ना तब तक तो वो बराबर रहे आपका शरीर भी बराबर रहेगा जब तक इस देह से तपस्या हो रही है गहन ध्यान कर रहे हैं गहन स्वाध्याय चल रहा है गहन चिंतन चल रहे हैं तब तक तो ये आपका बहुत आपके कंट्रोल और जब ये चीज़ें निकल गई जीवन में से मैं ये कहना चाह रहा कि जब हमारी गहन साधना निकल जाती है तब वो संतत्व रहेगा पूर्व संस्कारों से कि पूर्व में आपने साधना की है इसलिए आप उसको मेंटेन करके भले रख सकते हैं इतना कि मानसिक रूप से आपकी वो जो पर्व पर धीमे धीमे कम होते है इसलिए कभी कभी देखना साधना रुक जाती है रुक जाती है तो ये सब समस्या है। पैदा हो जाती है फिर तो उसके पूर्व का बोध किया है ना हाँ इसलिए वो कहाँ जाएगा वो तो संस्कार रूप रहते परंतु कहीं न कहीं हम स्थिर हो चुके हैं कहीं न कहीं हम रुक चुके हैं इतना ध्यान रखना हमेशा ये जीवन में सिद्धांत तो ऐसा ही है कि जो ज्ञान ध्यान और तप में अनुरक्त रहते हैं उनका शरीर भी वैसा ही रहता है इसलिए देखना ये योगियों का वगैरह ये मुनियों का शरीर अथवा जो भी है बहुत ऐसा दिल डोल नहीं जिसकी साधना चल रही हो और जिसकी ठीक है भाई चल रहा है सब को देख कोई भी जब तक साधना चलेगी ना और जब साधना खत्म होगी ना आपकी इंटेंसिव साधना जिसमें उग्र साधना कहते हैं उस काल में देखना शरीर और फिर एक अवस्था ऐसी आती है कि अब इससे आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो फिर वो चरियां उस उस प्रकार से ढलने लगती है फिर वो जब तक शरीर है तो शरीर का अपना काम करेगा पर अब इंटेंसिव साधना अंत पर्यंत चल कठिन है तो जब बुरा पाएगा तभी पता पड़ेगा क्या होता है हाँ। परम बुद्धि कृष्ण कृषि वो तो उसकी नित्यता बताने के लिए पर यहां तो बहुत सूक्ष्म बातें हैं ये कि जैसे आपके विचार हैं जैसी आपकी दशा है वैसा ही आपकी वाणी है वैसा ही आपका शरीर है वैसे ही आपकी इंद्रियों का प्रवर्तन है ये सब चीजें कोई बहुत अलग नहीं है शरीर कहीं और दिशा में जा रहा है आपकी वाणी कहीं और दिशा में जा रही है आपका मन कहीं और दिशा में जा रहा है आपका आत्मा कहीं और दिशा में जा रहा है ऐसा नहीं हो सकता ये सब एक दूसरे के साथ जुड़े हुए क्योंकि इसकी रचना ये जब तक आत्मा है आत्मा के भावों से सब चल रहा है हमारा मन किससे चल रहा है आत्मा के भावों से चल रहा है और जैसा मन होगा जैसा हम सोचते हैं ना वैसा ही तो हम बाहर अभिव्यक्त करते हैं जैसे अभी मेरे अंदर अंदर कषाय क्रोध हो तो जैसे ही मैं बोलूंगा ना तो आपको दिखेगा वो पानी में आएगा कोमलता होगी तो कोमलता आएगी क्यों नहीं आएगी तो वो कहां से आ रही है ये वाणी क्या है प्रक्षेपण है आत्मा का ये शरीर क्या है प्रक्षेपण है आत्मा का ये इसका जनक वो है हमको लगता है कि ये पुद्गल है इसका मतलब इसमें आत्मा का कोई रोल नहीं है पूरा के पूरा आत्मा का ही है क्योंकि ये हमारे नाम कर्म से बहुत स्पष्ट बहुत सूक्ष्म और ऐसा करते करते आपकी सारी सृष्टि धीमे धीमे आप इसके बारे में बहुत विचार करोगे ना तो आपने ये सारी सृष्टि बनाई है वो सब आपकी आपका करतापन सब ऐसा ही दिखेगा आसपास सारी चीजें क्योंकि कहीं अंदर से आ रहा है ये सारी चीज अब देखो अब अब देखो भगवान की बहुत अच्छी बात की कि जब तक उस केवल ज्ञान प्रकट नहीं होता है थोड़ी सी भी कषाय रहती है तब तक तो भगवान का शरीर औदारिक ही रहता और उनके सारी कषाय निकल गई तब उनका शरीर परम औदारिक एकदम स्फटिक जैसा पारदर्शी ऐसे ही तो इसका प्रभाव पड़ता है आत्मा चैतन्य जहां सर्वोत्कृष्ट शुद्धि है वो शरीर भी कैसा हो सर्वोत्कृष्ट ही होगा उससे उत्कृष्ट कोई शरीर हो सके क्योंकि इसका निर्माण आपके चेतन भावों से हुआ है चेतना का प्रक्षेपण है वो सारी चीज कितना श्रेष्ठ परमाणु बता अपना, हाँ। अपना। इसलिए देखना सम्यक दृष्टि जीव होते हैं वो कभी कुरूप नहीं अंगहीन नहीं होते डोल नहीं होते हैं। ये सब सम्यक दृष्टियों के लक्षण होते हैं, हाँ, कोई डोल हो और वो सम्यक दृष्टि हो सकता है कोई विकलांग हो और वो सम्यक दृष्टि हो सकता है पर सम्यक दर्शन होने के बाद अब उनको जो शरीर मिलेगा वो एकदम से उत्कृष्ट शरीर जन्म से ही मिले उसमें सर्वांग सुंदर होता बहुत सारी प्रतिभाएं होगी इस काल में सम्यक दृष्टि जन्म लेते नहीं है पर इस काल से दर्शन तो हो। का परमात्मा का जब जा, जा, जा जन्म होता है तब से परम उदारी शरीर नहीं होता है बाद में परम जब परम औदारिक जब केवल ज्ञान होता उस समय पहले साधारण औदारिक शरीर और परम औदारिक फिर बाद में बन जाता उसमें सभी निगोदिया जीव निकल जाते केवल ज्ञान होगा तब भगवान होंगे वो। उनको कोई उपसर्ग वगैरह आते हैं कुछ परेशान तो उनका शरीर ही वो उदारिक है के शरीर है। वो, वो उपसर्ग जो सहन होते ना, हैं ना, सहन सहनन से सहन होते हैं और ये जो है वो सौंदर्य है शरीर का औदारिक तो ये उदार जो स्थूल दिखता है ये शरीर अपना तो सहनन उनका श्रेष्ठ होता है इसलिए वो सहन कर लेते हैं सौंदर्य भी इसका मतलब ये नहीं समझना कि जिसकी सुंदरता नहीं है वो वो गुणवान नहीं है ऐसा नहीं समझना ये तो बेचारा पहले का मिला हुआ अब क्या करें अष्टावक्र जैसे भी ज्ञानी होते हैं, जिनका शरीर आठ टेढ़ा मेढ़ा था पर वो ज्ञानी थे इसमें ये पूर्व का दोष है वर्तमान का दोष पर वर्तमान में अगर हम साधना मार्ग में आएंगे देखना सांचे में ढलता है सब चीजें आपकी साधना के अनुसार चित्त के अनुसार सब सांचे में मतलब उसके जो साधक होता है तो उस साधक का साधना करते 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 उसका पहले कुरूप शरीर होगा बहुत ही नाक नक्श भी खराब है वगैरह पर जैसे जैसे उसकी सात्विकता बढ़ती जाएगी वो प्रीतिकर लगने लगेगा वो सुंदर लगने लगेगा उसके नाक नक्श वगैरह सब कुछ सुंदर लगने लगे। ये आत्मा का प्रभाव है, है। ये उसकी सात्विकता का प्रभाव इसलिए सब कुछ छोड़ करके एकमात्र आत्मा को संभाला जाए अपने भावों को संभाला जाए परिणामों को संभाला जाए सब अच्छा हो बहुत आकुल व्याकुल मत हो कषायों को बहुत कंट्रोल करो मंद करो शांत रहो सब कुछ अच्छा हमारे आसपास भी अच्छा होगा हमारा शरीर भी अच्छा होगा हम रोग को सहन नहीं कर पाते क्यों शांति नहीं जो शांत पुरुष होते हैं किसी भी रोग को आसानी से सहन कर लेते और जब आकुल व्याकुल होते हैं तो शरीर बिगड़ने है। और आपको कोई बीमारी वगैरह ऐसे शांत भाव से आप उसको सहन लो आएगा बिगाड़ करके नीचे मुख्य वस्तु तो आत्मा को संभालना है और ये हमारे हाथ में है सोच विचार करके हाथ लोग सुंदर होना चाहते कैसे होना चाहते पाउडर लगा करके ये करके बालों से ये ऐसे सुंदर कैसे होंगे उस उल्टा शरीर बिगड़ जाएगा इससे सुंदर होने के लिए सुंदर विचार वाला अपना ही मन होना चाहिए हम सुंदर होंगे सौ साल के होंगे तो भी हम सुंदर दिखेंगे जो महापुरुष होते हैं उनका वृद्धावस्था में भी चेहरा सौंदर्य से भरा होता है आकर्षण का केंद्र होता है वो सारा का सारा जबकि वहां तो बुढ़ापा आ गया है सब कुछ हो गया है पर मन का सौंदर्य उस शरीर पे प्रभाव जरूर डालता है इसलिए शरीर सुंदर करने के लिए अच्छा मन नहीं करना पर कम से कम जिसको अच्छा मन शरीर सुंदर करने के लिए अच्छा मन करो बस और अंत में उस प्रशांत आत्मा का अनुसंधान निरंतर होते रहे ओ सुख धाम अनंत सुसत दिन रात्र रहे ध्यान पर शांति अनंतुधामय जे प्रणमो पदरते जय हो प्रणमो पदते ते जय सदगुर परम कृपाण त्रिलोकनाथ की जय सब संतन की जय आनंद